जय श्री राम साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है। हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, काफ़ी सारे कॉल और मैसेज हमारे पास आ रहे थे अभी, जिसमें जानना चाह रहे थे कि सेक्टर 20 के अंदर जो 300 स्क्वायर मीटर वाली पॉकेट 100 मीटर रोड के साथ लगी हुई है, उसका क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अभी चल रहा है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 2009 की अलॉटमेंट है और काफ़ी लंबा समय निकल चुका है, 15 साल निकल गए अप्रोक्स। तो क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है या नहीं कर रही है उन पॉकेट्स के अंदर? तो साथियों, आज हम आपको पूरा डेवलपमेंट दिखाएंगे यहाँ का, कि अथॉरिटी की तरफ से अभी कितना डेवलपमेंट इन पॉकेट्स पे करा गया है सेक्टर 20 की। क्योंकि रेगुलर हम आप तक अपडेट पहुँचा रहे हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की पॉकेट्स का। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आज आप फर्स्ट टाइम हमारी डेवलपमेंट वीडियो देख रहे हैं, तो आप सेक्टर 18 की वीडियो भी देख सकते हैं। हर पॉकेट्स का डेवलपमेंट हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। और आज जो हम खड़े हैं साथी, वो सेक्टर 20 के एफ पॉकेट और जी पॉकेट के डिवाइडिंग रोड पे खड़ा है, जो कि 18 मीटर का रोड है। मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जी पॉकेट है आपकी, और लेफ्ट साइड में मेरे एफ पॉकेट है। दोनों ही पॉकेट 300 स्क्वायर मीटर की पॉकेट हैं। कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ और कितना अभी डेवलपमेंट होना यहाँ पे बाकी है, जैसा आप सामने देखिए रोड देख रहे हैं, ये 18 मीटर का वाइल्ड रोड है और इसके साथ लगती हुई ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के साथ 24 मीटर और उसके साथ लगता हुआ आपका 100 मीटर का रोड आपको देखने को मिलेगा। ड्रोन के माध्यम से आपको पूरा व्यू करवाएंगे कि कितना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे किया है। क्योंकि 2009 से जब से अलॉटमेंट हुई है यहाँ पे, तो कोई ऐसा नया कार्य अथॉरिटी की तरफ से नहीं हुआ है कि अथॉरिटी पूरा डेवलपमेंट यहाँ कर चुकी है। आप देखेंगे तो जो रोड बनी हुई है इसको अभी पक्का नहीं किया गया है, अभी रोडे इस पर कुटे हुए हैं। बस आप देखेंगे तो रोडे कुटी हुई हैं, मगर अभी आप पॉकेट के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं। कई जगह पे अभी आपके पैच ब्रेक हैं और कई जगह पे किसान से अभी जो समझौता हुआ है अथॉरिटी का, उसमें लगभग 6 महीने का समय और लगेगा पूरी प्रॉपर कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए। तो एफ पॉकेट के अंदर लगभग आपके 500 से ज़्यादा प्लॉट है 300 स्क्वायर मीटर के, वहीं जी पॉकेट के अंदर भी लगभग 550-600 प्लॉट हैं जी पॉकेट में। और जी के आगे जो पॉकेट है वो एच पॉकेट है, एच ब्लॉक है, जिसके अंदर अभी कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं करवा पाई है, कोई भी प्लॉट मौके पे नहीं लगा है। क्योंकि यही तीनों पॉकेट्स जो हैं 300 स्क्वायर मीटर की पॉकेट है सेक्टर 20 की, 100 मीटर के साथ लगते हुए रोड के पास। साथियों, अगर 300 स्क्वायर मीटर के फ्रंट और बैक हम डेप्थ की बात करें, तो फ्रंट आपका 12 मीटर होता है और गहराई आपकी 25 मीटर की होती है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि 100 मीटर रोड के साथ लगी हुई है और काफ़ी प्लॉट यहाँ पर अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड हैं। अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट की बात करें हम, तो मार्केट के अंदर आज के समय में आपको लगभग 2 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा रेट। और वहीं अगर रजिस्टर्ड प्लॉट की बात करें, तो प्लॉट का जो रेट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाता है, क्योंकि फेसिंग को देखते हुए। जी पॉकेट में भी सेम यही रेट देखने को मिलेगा और उसके आगे एच पॉकेट है साथियों। जैसा मैंने आपको बताया कि साथियों, हम पूरा आपको ड्रोन व्यू दिखाएंगे एक बार, पूरी पॉकेट कवर करेंगे एफ पॉकेट की, कितना डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ कर चुकी है। और जो रजिस्टर्ड प्लॉट है जिनकी रजिस्ट्री को काफ़ी लंबा समय हो गया है, अगर आपने रजिस्ट्री अपनी 2017-18 में करवा ली थी एफ पॉकेट की, और अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो अथॉरिटी की तरफ से टाइम दिया गया है वो 31/12/2024 तक का दिया गया है, तो 31/12/2024 तक आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है यहाँ पे। इसके बाद हो सकता है अथॉरिटी पेनल्टी ले या ना ले, वो आने वाला समय बताएगा। तो हम आपको एक बार पूरा डेवलपमेंट भी दिखाएंगे साथियों, और कितने प्लॉट के ऊपर अलॉटी ने यहाँ पर अपना प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया, वो भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में, लेके चलते हैं एक बार आपको पूरा एफ पॉकेट का व्यू दिखाने के लिए। तो साथियों, आपको हम लेके आ चुके हैं 100 मीटर रोड पे, जो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का मेन एंट्री द्वार है, आप सामने देख पा रहे थे। साथ में आपका 24 मीटर का रोड और ग्रीन बेल्ट, इसके साथ 18 मीटर का रोड, एफ पॉकेट और उसके आगे जी पॉकेट, और ये आगे की तरफ वापस हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगे आपका 3B पॉकेट की तरफ, 2C पॉकेट, 2A पॉकेट। हमने आपको एक बार 360 डिग्री पर दिखाने की कोशिश करी है, जिससे आप समझ पाए कि पॉकेट आपकी कहां पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप पहली बार एफ पॉकेट की तरफ देख रहे हैं। साथियों, सेक्टर 20 एफ पॉकेट आपको लेके चलेंगे, कवर करेंगे पूरी पॉकेट कि किस तरह से डेवलपमेंट इस पॉकेट में हुआ है। अभी जो हम लेके चल रहे हैं आपको, ये प्लॉट नंबर 747 प्लॉट नंबर की तरफ से लेके चलेंगे। कॉर्नर का प्लॉट जो है आपका 747 नंबर का प्लॉट होने वाला है।
747 नंबर के इस प्लॉट से हम आगे की तरफ चलेंगे, बीच में डिवाइडिंग रोड है 18 मीटर का जो एफ पॉकेट और जी पॉकेट को डिवाइड करता है, साथ में लगता हुआ रोड 18 मीटर का। साथियों अभी आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 5-6 ही प्लॉट के ऊपर यहाँ पे कंप्लीशन हुआ है अभी। साथ में अगर हम रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रॉपर रोड अभी इस पॉकेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाली का काम, सीवर का काम कुछ हद तक इस पॉकेट में आपको देखने को मिलता है, मगर वहीं अगर हम बात करें अभी इस पॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी की तो अभी कोई भी सुख सुविधा नहीं दी गई है। अभी हम आपको 18 मीटर रोड की तरफ से लेके चल रहे हैं आगे की तरफ, लास्ट तक लेके जाएंगे जो लास्ट प्लॉट होने वाला है आपका। ये प्लॉट नंबर आपका 416 नंबर का प्लॉट होगा साथियों, बिल्कुल लास्ट तक लेके जाएंगे जहां पे आपका 416 नंबर का प्लॉट है। साथियों अगर वहीं हम बात करें इस पॉकेट की तो चार बड़े पार्क आपको इस पॉकेट में देखने को मिलते हैं, और बैक साइड में अगर इस पॉकेट की बैक साइड में बात करें तो कनाल, और कनाल के साथ आपको ग्रीन बेल्ट और साथ में लगता हुआ 45 मीटर का एक वाइल्ड रोड देखने को मिलेगा। साथियों अभी आप जैसा देख रहे हैं रोड के जो पैच है कई जगह पे ब्रेक है, किसान अभी अपनी खेती कर रहा है, अथॉरिटी का और किसान का समझौता हो चुका है, हो सकता है इस फसल के बाद 6 महीने के अंदर सभी प्लॉट मौके पे आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट तक आपको हम लेके आए ये आपका कनाल है, और कनाल के साथ आपका सिंचाई विभाग का रोड है जो कि रहुपुरा टाउन की तरफ जाता है। साथियों एफ पॉकेट के पास जो ये वाटर टंकी आप देख रहे हैं, आपकी वाटर टंकी एफ पॉकेट पे आपको देखने को मिलती है, साथ में एक फैसिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी एफ पॉकेट के अंदर, और कंस्ट्रक्शन के काम भी कुछ इस पॉकेट में भी चल रहे हैं जैसा आप देख पाएंगे, और साथ में लगती हुई पॉकेट है आपकी ई पॉकेट। ई पॉकेट के साथ भी आपको एक बड़ा रोड देखने को मिलेगा 24 मीटर का। साथियों इस पॉकेट में अभी काफी जगह पे खेती आप देख पा रहे हैं, सामने आपकी गौर यमुना सिटी है, हम वापस पीछे की तरफ चल रहे हैं जहां से आपको लेके आए थे 100 मीटर रोड की तरफ, और नीचे कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो साथियों हमारे भी काफी काम यहाँ पे चल रहे हैं ग्राउंड पर आज के समय में कंस्ट्रक्शन के, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अगर आप भी अपने प्लॉट का कंप्लीशन करवाना चाह रहे हैं तो आप चुन सकते हैं हमें मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन। साथियों अभी तक हमने लगभग 100 से ज्यादा कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलॉटिस को दिला चुके हैं अथॉरिटी के द्वारा। हमारे जो काम है वो आपको हर जगह मजबूत वर्क देखने को मिलेंगे, प्रॉपर टीम है, प्रॉपर इक्विपमेंट, सभी चीज हमारे पास अवेलेबल है। साथियों ये आपका 24 मीटर का रोड है, वाटर टंकी आप देख रहे हैं ई पॉकेट और एफ पॉकेट के कॉर्नर पे है, ये आपकी ई पॉकेट के अंदर कुछ स्ट्रीट लाइट के पोल खड़े हुए हैं। आगे ये जो काम चल रहा है 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, इस पे हमारा काम चल रहा है, और साथियों एफ पॉकेट और ई पॉकेट का ये डिवाइडेशन है, हमने कोशिश करी है एफ पॉकेट को आपको दिखा पाए क्योंकि काफी कॉल और मैसेज हमारे पास आए थे एफ पॉकेट के लिए, तो ये वीडियो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी कि आपको घर बैठे जानकारी मिल पाए कि पॉकेट में क्या डेवलपमेंट हुआ है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काफी लंबे समय से 2009 से अभी तक अथॉरिटी ने ज्यादा कार्य इस पॉकेट में नहीं किया है, क्योंकि कुछ कारण थे, किसानों के डिस्प्यूट थे पॉकेट के ऊपर, मगर अब समझौता हो गया है, जल्द प्लॉट लगने चालू हो जाएंगे। जो पैच आपको ब्रेक दिख रहे हैं ये भी जुड़ते हुए जल्द देखने को मिलेंगे। ये 24 मीटर का रोड है साथियों, आगे आपका 18 मीटर का रोड और साथ में एफ पॉकेट, बहुत ही प्राइम पॉकेट होने वाली है। रेट भी आपको बताया था और बताएंगे भी कि किस रेट पे आपको यहाँ पे आज के समय प्लॉट मिल सकता है अगर आप रीसेल में प्लॉट लेना चाहते हैं तो। यहाँ पर साथियों अगर कोई और भी क्वेरी आपकी इस पॉकेट के बारे में तो दिए नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें या कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे ऑफिस का विजिट भी कर सकते हैं साथियों। तो काफी प्राइम पॉकेट एफ पॉकेट, सेक्टर 20 के अंदर आती है साथियों ये पॉकेट। तो साथियों आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी हमने कि कितना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे किया है। कई जगह पे अभी किसान खेती करता हुआ आपने देखा होगा, हम लास्ट तक लेके गए थे बिल्कुल जहाँ पे आपका कनाल है, कनाल के साथ सिंचाई विभाग का रोड है, वहां तक आपको लेके गए क्योंकि कनाल के साथ आपका 45 मीटर का रोड और साथ में ग्रीन बेल्ट लगी हुई है, तो वो जो लैंड है या किसान जो अभी खेती कर रहा है वो इसलिए छोड़ी गई है। और इसके साथ जो आपने देखे पैच कई जगह पे ब्रेक थे,
जल्द वो जुड़ जाएंगे। और इसके साथ लगी हुई जो पॉकेट थी आपकी वो ई पॉकेट थी, ई पॉकेट 1000 स्क्वायर मीटर की पॉकेट है। साथ में आपने स्ट्रीट पोल्स देखे होंगे, कुछ जगह पे स्ट्रीट पोल लगे हुए हैं, मगर इस पॉकेट के अंदर कंप्लीट तरीके से अभी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हर जगह सीवर भी नहीं लगे, रोड पूरे कंप्लीट नहीं बने, जो अथॉरिटी की तरफ से 2009 की अलॉटमेंट से लेके 15 साल के अंदर भी अथॉरिटी यहाँ ये कार्य नहीं करवा पाई है साथियों। तो आज जो हमने अपडेट दिया आपको ये एफ पॉकेट का अपडेट है 300 स्क्वायर मीटर, क्योंकि काफी कॉल हमारे पास आई थी इसके लिए, तो हमने ये भी आपको दिखाने की कोशिश करी। और साथियों अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाने का प्लान कर रहे हैं, रजिस्ट्री आप करवा चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि अपना कंस्ट्रक्शन अब करवाना पड़ेगा आपको, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के। साथियों हमारे सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में कई सारे कंस्ट्रक्शन आज के समय में रनिंग पे हैं और आपको अच्छी से अच्छी ड्राइंग पे हम आपको काम करके देते हैं, मजबूत वर्क करके देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टीम है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है। हम 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट काम आपको हैंड ओवर करके देते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ। और इसके साथ साथियों अगर आप हमारे ऑफिस का विजिट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नियरेस्ट अंसल गोल्फ लिंक के अंदर है, ऑफिस नंबर 35, नियरेस्ट नॉलेज पार्क, मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। आप ऑफिस पे आके विजिट भी कर सकते हैं और कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहें, चाहे फिजिकल पोजीशन की हो आपकी, न्यूड्यूज करवाना हो या कोई अदर वर्क करवाना हो, तो भी आप हमारे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा पाएँ। तो आज की वीडियो को करेंगे ही समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।